नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगा दोस्तों। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे हाथ की हथेलियों में यहाँ पर एक टनल है जिसको हम कार्पल टनल बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये टनल कार्पल बोन के बीच में पाई जाती है और इसीलिए हम इसे कार्पल टनल बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों आपको इस पिक्चर में एक टनल नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके चारों तरफ चार बोन हैं जो कार्पल बोन्स हैं। वो हैमेट, ट्रेपीजियम, साथ में ट्रेपोजॉइट और कैपिटेट। दोस्तों इसी कार्पल टनल से एक मीडियन नाम की नर्व निकलती है और जब ये मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, जब ये मीडियन नर्व दब जाती है, तब हमें इस हाथ की हथेली में यहाँ पर हमें नमनेस महसूस होती है, हमें झुंझुनाहट महसूस होती है, हमें सुन्नपन महसूस होता है और हमें दर्द महसूस होता है। दोस्तों ये जो सुन्नपन है, ये जो झुंझुनाहट है और ये जो पेन है, ये जो दर्द है, इसी को हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको कार्पल टनल सिंड्रोम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके कॉजेस की तरफ कि क्या कारण होते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के। उसके बाद मैं आपको इसके लक्षण बताऊंगा कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के। उसके बाद दोस्तों मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कॉजेस, क्या कारण है कार्पल टनल सिंड्रोम के। दोस्तों इस सिंड्रोम के कॉजेस कारण अननोन हैं, मतलब ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है आपका काम, आपका जॉब। अगर आपको कलाइयों का उपयोग ज़्यादा करना पड़ता है, या आप मान लीजिए कि आप लोहार हैं, आप लोहा पीटते हैं, तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मान लीजिए आप ड्राइवर हैं, आपको स्टेयरिंग हमेशा दिन भर स्टेयरिंग घुमानी पड़ती है, जिसके कारण कलाइयों का उपयोग ज़्यादा होता है और आपको इस कलाइयों में बल बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। अगर आप बैट्समैन हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर आप बहुत लंबे समय तक क्रिकेट खेलते हैं और बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं और कलाइयों का उपयोग बहुत अच्छे से करते हैं, तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कुछ और फैक्टर्स हैं, जैसे आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो ऐसा देखा गया कि हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स को कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि अगर कोई आदमी ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा ओबीज है, तो उसको ज़्यादा चांसेस हैं कार्पल टनल सिंड्रोम होने के। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ये सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि अगर आपको ट्यूमर होता है, खासकर यहाँ पर खासकर गैंग्लियन होता है, गैंग्लियन के बारे में आप सभी जानते होंगे, मैंने एक वीडियो बना दिया था, पहले ही अपलोड कर दिया हूँ ये यूट्यूब में, तो आप नीचे मैं लिंक दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा। गैंग्लियन अगर आपको होता है तो कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दोस्तों अगर आपको अर्थराइटिस है और खासकर रूमेटाइड अर्थराइटिस है या किसी और तरह की अर्थराइटिस है, तो आपको ये टनल सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दोस्तों अगर आपको गाउट की प्रॉब्लम है, गठिया बात की प्रॉब्लम है, तो आपको ये कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है दोस्तों। दोस्तों अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। दोस्तों अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम है, तो आपको हथेलियों में और उंगलियों में सुन्नपन महसूस होगा, नमनेस महसूस होगी, टिगलिंग महसूस होगी, झुंझुनाहट महसूस होगी, दर्द महसूस होगा और बर्निंग महसूस होगी, जलन महसूस होगी। तो अगर आपको हथेलियों में और आपकी उंगलियों में, खासकर आपके अंगूठे में, आपके इंडेक्स फिंगर में, आपके मिडिल फिंगर में और आपकी इस तरफ इस वाली लाइन के ये रिंग फिंगर में अगर आपको सुन्नपन, झुंझुनाहट और पेन और बर्निंग महसूस होता है, तो आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है दोस्तों। कार्पल टनल सिंड्रोम के पेशेंट को सुन्नपन, झुन्नपन और जो जलन और जो पेन होता है हथेलियों में और उंगलियों में, वो बना रहता है, वो लगातार बना रहता है। बीच में थोड़ा सा कम होता है, उसके बाद फिर बढ़ जाता है, फिर कभी कम होता है। दोस्तों ये जो आपको सुन्नपन है, ये जो दर्द है,
वो आपकी कलाइयों तक भी आ सकता है और कलाइयों से हाथों तक भी आ सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम लोगों को कलाइयों तक और हाथ तक दर्द आता है जिनको कार्पल टनल सिंड्रोम है। दोस्तों दोस्तों आपको कुछ चीज़ महसूस करने में दिक्कत होगी, जैसे मान लीजिए मैं ये मोबाइल अगर पकड़ रखा हूँ तो मुझे इसको पकड़ने में और अच्छे से पकड़ने में इसको दिक्कत होगी और मेरा मोबाइल बार बार मेरे हाथ से छिटलेगा, मेरे हाथ से गिरेगा। ऐसे ही और चीज़ें जो हैं वो मेरे हाथ से छिटलेंगी, मेरे हाथ से गिरेंगी। दोस्तों अगर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम लंबे समय तक होता है तो आपके जो अंगूठे की मसल है, जो ये मसल आपको दिख रही है, वो दिखना बंद हो जाएगी और ये मसल जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों ये थे लक्षण कार्पल टनल सिंड्रोम के। दोस्तों अब चलते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए कॉस्टिकम। दोस्तों कॉस्टिकम को आपको 200 CH पोटेंसी में लेना है। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों कार्पल टनल सिंड्रोम में आपको नमनेस होती है, झुन्नपन होता है, सुन्नपन होता है आपके हाथों में, आपकी गदेलियों में, आपकी उंगलियों में, और इसके लिए कॉस्टिकम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आपका हाथ वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और आप कोई भी चीज़ अच्छे से पकड़ नहीं पाते हैं तो कॉस्टिकम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और मैंने आपको बताया कि आपके हाथ के जो मसल्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, वो पतले हो जाते हैं और आपके हाथ के मसल अच्छे से नहीं दिखते हैं, तो कॉस्टिकम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों कॉस्टिकम को आपको 200 CH पोटेंसी में लेना है, दो बूंद सुबह सुबह आपको पीना है। तो मान लीजिए कॉस्टिकम 200 मेरे हाथ में रखी हुई है और दो बूंद मैं सुबह उठते ही आपको दो बूंद सुबह सुबह एक बार अपने जीभ में टपका लेना है, बस इतना ही करना है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए। दोस्तों दूसरी जो मेडिसिन है उसमें आपको तीन मेडिसिन मिलानी पड़ेगी और एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली मेडिसिन है आर्निका, दूसरी मेडिसिन है बेलिस्पर और तीसरी मेडिसिन है रूटा। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन आर्निका के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कहीं भी कंप्रेशन ऑफ नर्व हो जाता है, मतलब नस जो है वो दब जाती है, तो आर्निका बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों नमनेस, झुन्नपन के लिए, सुन्नपन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आर्निका होम्योपैथी में। दोस्तों दूसरी मेडिसिन है रूटा। अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको कलाइयों का उपयोग ज़्यादा हो तो रूटा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपके कलाइयों में कभी चोट लग गई है तो रूटा बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बेलिस्पर की बात करते हैं तो बेलिस्पर टेंडन इंजरी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, लिगामेंट इंजरी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों मोस्टली जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है वो टेंडन इंजरी के कारण होता है और मसल इंजरी के कारण होता है, जिसके कारण मीडियन नर्व थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है, तो बेलिस्पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। दोस्तों दोस्तों इस कॉम्बिनेशन में आपको आर्निका 30 CH, बेलिस्पर 30 CH और रूटा 30 CH, ये तीनों को बराबर मात्रा में मिला लेना है एक फाइल में। तो आप 30 ml की फ़ाइल ले लीजिएगा, 30 ml की फ़ाइल ले लीजिएगा, उसमें आर्निका 30 CH 10 ml डाल लीजिएगा, फिर उसके बाद रूटा 30 CH 10 ml डाल लीजिएगा और बेलिस्पर 30 CH 10 ml डाल लीजिएगा, बस थोड़ा सा हिलाइएगा। उसके बाद दोस्तों आपने जो ये मेडिसिन बनाई है उसको आपको दो बूंद सुबह पीना है, दो बूंद दोपहर में पीना है और दो बूंद रात को पीना है, दो बूंद सुबह, दो बूंद दोपहर में और दो बूंद रात को। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों आपको कार्पल टनल सिंड्रोम में। तीसरी मेडिसिन है हाइपेरिकम। दोस्तों हाइपेरिकम को आपको 200 CH 200 पोटेंसी में लेना है। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। तो हाइपेरिकम नर्व इंजरी के लिए रामबाण दवा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी में नर्व इंजरी के लिए। तो जो मीडियन नर्व में इंजरी हो गई है, जो कंप्रेशन हो गया है, तो हाइपेरिकम को यूज़ करना चाहिए और हाइपेरिकम को आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। इससे कार्पल टनल सिंड्रोम के जो भी लक्षण होते हैं, नमनेस, झुन्नपन, सुन्नपन, पेन, बर्निंग, सब में आराम लगता है। दोस्तों आपको हाइपेरिकम 200 पोटेंसी में दो बूंद रात को यूज़ करना है। दोस्तों इन तीन मेडिसिन के साथ आपको एक बायोकेमिक मेडिसिन यूज़ करना है और उस बायोकेमिक मेडिसिन का नाम है कालीफॉस। दोस्तों कालीफॉस नर्व इंजरी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, खासकर नमनेस के लिए, टिगलिंग के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। दोस्तों कालीफॉस को आपको 6x पोटेंसी में यूज़ करना है। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों कालीफॉस
6x पोटेंसी में 6 गोली सुबह सुबह आपको चूसना है, 6 गोली दोपहर में आपको चूसना है और 6 गोली आपको रात में चूसना है। दोस्तों ये थी मेडिसिंस कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए। दोस्तों मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि मैं मेडिसिंस कौन कौन सी देता हूँ अपने पेशेंट्स को जो मेरे पास कार्पल टनल सिंड्रोम के पेशेंट्स आते हैं। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन मैं कॉस्टिकम देता हूँ 2 बूंद सुबह सुबह 200 पोटेंसी में। उसके बाद मैं आर्निका, रूटा और बेलिस्पर 30, ये तीनों को मिला के पहले से ही क्लिनिक में रख लेता हूँ और उसको 2 बूंद दिन में 3 बार देता हूँ। उसके बाद हाइपेरिकम 200 पोटेंसी में 2 बूंद रात को देता हूँ। साथ में कालीफॉस 6x पोटेंसी में 6 गोली दिन में 3 बार देता हूँ। दोस्तों ये मेडिसिन अगर आप 1 महीने से लेकर 2 महीने तक कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो आपका कार्पल टनल सिंड्रोम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, आराम भी मिल जाएगा और ठीक भी हो जाएगा और आपको सर्जरी कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक टिप देता हूँ कि इस मेडिसिन के साथ आप फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिल लीजिए और कुछ एक्सरसाइज होती हैं उसको भी अगर आप करेंगे तो साथ ही साथ बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप 2 महीने के अंदर इस बीमारी से पूरी तरीके से निजात पा जाएंगे, ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर का बटन दिया गया है तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।